मनीष सिसोदिया की, क्योंकि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि उनके ऊपर शिकंजे कसते जा रहे हैं। पहले शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी के चक्रव्यूह में वो फंसे, और सिसोदिया की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हो रही। बड़ी खबर आपको बता दें कि सिसोदिया की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है, और अब ये सवाल है कि आज क्या होगा। मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनसे पूछताछ की है, और आज 7 दिन की ईडी कस्टडी खत्म हो रही है। लेकिन सिसोदिया अब नई मुश्किल में फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। आबकारी घोटाला मामले को लेकर सिसोदिया की आज पेशी होनी है, राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। वहीं सीबीआई ने दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट में कथित अनियमितताओं को लेकर भी सिसोदिया के खिलाफ नया मामला दर्ज कर दिया है। पिछले महीने ही फीडबैक यूनिट को लेकर सीबीआई ने विजिलेंस विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने सिसोदिया पर केस चलाने की अनुमति मांगी थी, और उसके बाद अब फीडबैक यूनिट को लेकर सिसोदिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। नवीन निशांत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे सहयोगी। सबसे पहले नवीन, ये बताइए कि फीडबैक यूनिट केस आखिर है क्या, जिसमें अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं सिसोदिया? बिल्कुल, देखिए बता दें कि 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो उन्होंने एक इकाई का गठन किया था, और उस इकाई का मकसद था कि अधिकारियों के ऊपर नजर रखना, यानी जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिनकी शिकायत मिल रही है, उनके ऊपर निगरानी करने के लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। और उस समय मनीष सिसोदिया चूंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और आरोप ये लगाया जा रहा है कि उस यूनिट को बनाने के लिए जो राज्यपाल थे, उपराज्यपाल थे, उनसे मंजूरी नहीं ली गई थी, और उनके लिए जो फंडिंग की व्यवस्था की गई थी वो भी गैर कानूनी तरीके से की गई थी। तो यही पूरा मामला है, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि उस फीडबैक यूनिट के जरिए जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने विपक्षी पार्टियों की जासूसी करवाई है। तो इसी सब आरोप को लेकर जो मामला है वो दर्ज किया गया था, और 2016 से इस मामले की जांच चल रही है। उस समय दिल्ली के जो एलजी होते थे वो अनिल बैजल होते थे, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की अनुमति दी थी। और अभी कुछ दिनों पहले जो पूरा मामला है वो फिर सुर्खियों में आया था, क्योंकि मामला सीबीआई को भेजा गया था जो दिल्ली के तत्कालीन एलजी हैं विनय सक्सेना, उनकी तरफ से। तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, और जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सीबीआई को ये लगता है कि कुछ जो बिल जमा किए गए थे इस पूरे मामले में वो कच्चे थे। तो ऐसे में जो सीआरपीसी है उसके अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है, और मनीष सिसोदिया से हो सकता है कि आने वाले दिनों में पूछताछ हो। हालांकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जो ईडी है, जो सीबीआई है, वो अभी के समय सिर्फ मनीष सिसोदिया को परेशान करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये मामला काफी पुराना है और उस पर पहले भी जांच हो चुकी है। नवीन, क्योंकि आज ईडी रिमांड भी खत्म हो रही है, कोर्ट में कितने बजे पेश किया जाएगा मनीष सिसोदिया को? बिल्कुल, देखिए बता दें कि आज 7 दिनों की जो ईडी रिमांड है मनीष सिसोदिया की वो खत्म हो रही है, और तकरीबन 2 बजे के करीब मनीष सिसोदिया को फिर जो राउज एवेन्यू का स्पेशल कोर्ट है, जिसके जज एम के नागपाल है, उनके कोर्ट में पेश किया जाएगा। और निश्चित रूप से ईडी 3 से 4 दिनों का रिमांड मांग सकती है अभी भी, लेकिन देखना होगा जज को कि क्या वो रिमांड देते हैं या फिर मनीष सिसोदिया को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका है उस पर सुनवाई जो है वो मार्च की 1 तारीख को होनी है। तो ऐसे में देखना होगा क्या ईडी को रिमांड दोबारा से मिल पाती है या फिर मनीष सिसोदिया को आज वापस तिहाड़ जेल भेजा जाता है। नवीन, अभी तक जो ईडी ने पूछताछ की है उसको लेकर क्या कुछ जानकारियां हासिल हो पाई है? देखिए, बिल्कुल बता दें कि ईडी मुख्यतः साउथ के कनेक्शन और जो मनी ट्रेल है उससे संबंधित पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि के कविता से लगातार पूछताछ हो रही है। जो अरुण पिल्लई है उनको भी, उनकी भी रिमांड ईडी के पास है। तो निश्चित तौर पर साउथ का जो कनेक्शन है वो अभी के समय ईडी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि के कविता, अरुण पिल्लई, क्योंकि अरुण पिल्लई इंडोस्प्रिट ग्रुप के डायरेक्टर हैं, बड़ी हिस्सेदारी है उनकी। तो ऐसे में आरोप ये लग रहा है कि साउथ के प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए जो पूरा ड्राफ्ट था न्यू सेज पॉलिसी का, उसे लीक किया गया था। और ईडी का ये भी कहना है कि 100 करोड़ रुपए के आसपास जो ट्रांजेक्शन है वो इस पूरे मामले में हुए हैं। तो ऐसे में मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए मनीष सिसोदिया से सवाल किए जा रहे हैं, के कविता से उनके क्या रिश्ते हैं, कैसे जानते हैं, अरुण पिल्लई से वो कितनी बार मिले, कब मिले, तो इन तमाम सवालों को लेकर अभी के समय मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल नवीन, आप नजर बनाकर रखिएगा खबर पर, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। साल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, फीडबैक को लेकर भी सिसोदिया फंस गए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने किस तरह से सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है, आप सुनिए। और सांसद मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी,
जिस तरह से सीबीआई ने एक और मामला दर्ज किया है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर, देखिए मनीष सिसोदिया का जो पर्चे धीरे धीरे मिल रहा है, अरविंद केजरीवाल जी का जो पर्चे धीरे धीरे मिल रहा है, वो एक बहुत खतरनाक मंसूबे वाले अपराधी और भ्रष्टाचारी का मिल रहा है। ये जो केस आ जाया है, जो केस दर्ज हुआ है, ये तो मैं सदन में भी उठाया था कि आप फीडबैक यूनिट बनाकर आप लोगों दिल्ली के लोगों की जासूसी करते हैं, दिल्ली के व्यापारियों की जासूसी करते हैं, फिर बाद में उनको ब्लैकमेल करते हैं। कई दिल्ली में ऐसे अधिकारी हैं जो रक्षा क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में ऐसा काम कर रहे हैं जिससे गोपनीय तरीके से देश की तरक्की के लिए काम करना पड़ता है। क्या वो डेटा किसी को ये बेच रहे हैं? क्या कहीं आर्थिक अपराध के एंगल से इसमें? ये सारी बातें आती हैं, क्योंकि किसी का फोन सुनना ये राइट टू प्राइवेसी का मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, और ऐसा अपराध किया है तो इसकी भी आज केस दर्ज हो गया। मैं बहुत संतोष व्यक्त करता हूँ। केजरीवाल साहब ने गबन किया है, वो उसके पीछे राज क्या है? अपने व्यक्तिगत लोगों की इसमें उन्होंने जासूसी करानी, पॉलिटिकल विरोधी लोगों की जासूसी करानी, और इसके नाम से फीडबैक यूनिट नाम का एक संस्था का गठन कर दिया। गठन करके मनीष सिसोदिया जी को उसका हेड बना दिया, हेड बनाकर 1 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन भी कर दिया। अब उसके लिए सैंक्शन किया है तो अगर वो लोग कहीं कोई जासूसी करेंगे, कोई फीडबैक यूनिट बनाई है, तो फीडबैक लेने के बाद तो कार्रवाई कैसे करते? क्या विधानसभा में, कैबिनेट में कोई अप्रूवल ली? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके उसको लॉ अप्रूव कराने के लिए कोई परमिशन ली? नहीं ली। अपने व्यक्तिगत लोगों से व्यक्तिगत जासूसी कराने के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया। सीबीआई को जानकारी मिली कि कुछ ऐसे लोग थे जिनके नाम से 50,000 रुपये रिलीज कर दिए गए कि किसी को 50,000 रुपये रिश्वत देंगे और रेड हैंड उसको पकड़ेंगे। उस नाम का व्यक्ति ही नहीं मिला सीबीआई को, तो केजरीवाल साहब या कोई लोग जाकर बताएं उस नाम का व्यक्ति कोई है। फीडबैक यूनिट पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारा ये मानना है, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर संघर्षरत थी, और हमने लगातार इस बात का सवाल उठाया था कि आखिर अरविंद केजरीवाल को क्या जरूरत थी फीडबैक यूनिट बनाने की, किसकी जासूसी करना चाहते थे आप? आपने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया है, इसलिए आज मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन यह लड़ाई अभी अधूरी है, क्योंकि इस यूनिट के मुखिया खुद अरविंद केजरीवाल हैं। तो हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी, और हमारी ये मांग है कि अभी खाली मनीष सिसोदिया पे एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए।